I love you. दोस्तों आज की दुनिया में लगभग सभी घरों में थोड़ी बहुत घरेलू हिंसा होती रहती है। तो दोस्तों अब बॉलीवुड घरेलू हिंसा पर आवाज उठाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आलिया भट्ट अपने आने वाली फिल्मों को लेकर बहुत चर्चे में नजर आ रही हैं। अब दोस्तों आलिया भट्ट एक और नए अंदाज में नजर आने वाली है। अभिनेत्री आलिया भट्ट की प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म डार्लिंग का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म आपको 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। ट्रेलर में आलिया भट्ट दमदार अंदाज में नजर आई हैं। ट्रेलर में वह घरेलू हिंसा की शिकार होती हुई नजर आई हैं, लेकिन साथ ही पति के अत्याचार से परेशान होने के बाद वह बदला लेने वाले अंदाज में भी आपको देखने को मिल सकती है। बता दें कि इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा शेफाली शाह, विजय वर्मा, रोशन मैथ्यू और राजेश वर्मा भी अहम किरदार में नजर आए हैं। और दोस्तों आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अब आलिया भट्ट ने प्रोडक्शन फील्ड में अपना पहला कदम रख दिया है। ये उनकी पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि डार्लिंग्स के फिल्म का ट्रेलर की क्या कहानी रहने वाली है। दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत में आलिया भट्ट के सोहर हमजा शेख का किरदार निभा रहे हैं अभिनेता विजय वर्मा। ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसे छोड़कर जा रहा हूं। उसके बाद नजर आती है आलिया भट्ट लाल ड्रेस और लाल लिपस्टिक लगाती हुई अपने पति के इंतजार करती है। और दोस्तों उनका ये इंतजार पूरे ट्रेलर में अधूरा ही रहता है। इसके बाद वो पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने पास ही के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराती है और वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है और फिर अपना अंदाज बदलती है, अपना रूप बदलती है। आखिरकार उनकी पकड़ में आ जाते हैं उनके पति और उन्हें बंधक बनाकर पीटती हैं। अगले ही पल वह घरेलू हिंसा की शिकार होती हुई नजर आती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि हमजा एक नशेड़ी है और वो दारू वगैरह पीते हैं और उनके पति के साथ मारपीट करता है, लेकिन फिर आलिया भट्ट अपने तीवर बदलती है और एक दमदार डायलॉग बोलती है, फील्डिंग बहुत हो गई अब बैटिंग चालू। इसके बाद वह नए अंदाज में आती है और वो अपना बदला लेना शुरू करती है। आखिरकार यह पूरे ट्रेलर में यह राज नहीं खुल पाता है कि आलिया भट्ट के पति को किडनैप किसने किया, लेकिन एक झलक जरूरी है कि किडनैप के पीछे शायद आलिया भट्ट का ही हाथ है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस ट्रेलर को लेकर, आपकी क्या एक्साइटमेंट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और तो बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों आपके अगले वीडियो में, थोड़ा इंतजार।